बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन 6। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, हम उसकी पहचान देखेंगे, हम उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की कंप्लीशन को शो करता है कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ एंड कर चुकी है। अब अगर आप उर्दू में इसको पहचानना चाहते हैं, एक सेंटेंस अगर उर्दू में लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं, तो उसकी एक आसान सी निशानी है, सेंटेंस के आखिर में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, ली है। बेसिकली कोई काम की कंप्लीशन शो कर रही हो रही होगी उसमें, जिस तरह मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, हम स्कूल जा चुके हैं, वो खेल चुके हैं, ठीक है ना, तो कंप्लीशन शो होना लाजमी है। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ कि क्या रूल्स हम लोगों ने फॉलो करने हैं इस टेंस के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ईट है तो ईटन हो जाएगा, स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब रूल्स की अगर बात की जा रही है, पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें थर्ड इस्तेमाल होगी। फिर आते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, एक है हैज़ और एक है हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हैज़ कौन से प्रोनाउंस और नाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ को। और इसके अलावा हैव का इस्तेमाल करेंगे आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउंस के साथ। अगर सेंटेंस के शुरू में आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाउन है, तो हम उसमें हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक एक पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेंटेंस की और देखते हैं किस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब इन प्रोनाउंस और नाउंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर लेटर हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, ही हैज, अब देखिए आप ही है सेंटेंस के शुरू में, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब उसके साथ कौन सा यूज किया, हैज प्लक्ड द फ्लावर, के वो फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ लिया है। अब आप देखिए मैंने ही के साथ, ही था सेंटेंस की शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैंने हैज का इस्तेमाल किया। अब यहीं पे अगर इसी सेंटेंस में शुरू में प्रोनाउन जो है वो आई आ जाए, आई, तो उसके साथ मैं यूज करूंगा हैव, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम, प्लक द फ्लावर, अगर है वी फिर यूज होगा हैव प्लक द फ्लावर, और यहां पे अगर आ जाता है शी तो आ जाएगा हैज प्लक द फ्लावर। ये आप देखिए अगर प्रोनाउन चेंज होता है या नाउन चेंज होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी जो अप्रोप्रिएट है वो वाला यूज करते हैं, और फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें थर्ड ही यूज होती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, सिंपल परफेक्ट टेंस, खाली परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं जिस वक्त ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं। अब यही सेंटेंस है, इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव में एक सिंपल सी चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा करना है, तो यानी हैज़ और हैव इसके अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या बन जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे हैज नॉट और हैव नॉट। जिस तरह मैं कहता हूं ही हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर, या मैं कहता हूं आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर,
अब आप देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपली नॉट का इजाफा कर दिया, मैंने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, यानी कि हैज नॉट और हैव नॉट मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स जो थे वो बन गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया और ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इन्हीं को अगर हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो गाइज, इंट्रोगेटिव में एक बहुत ही आसान काम है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के शुरू में जिस वक्त ले आते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। मैं आपको पहले सिंपल सेंटेंस लिखकर बताता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, कि वो फूल तोड़ चुका है। और अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं हम, आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। अब आपको अगर कोई कहता है कि इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में आपने चेंज करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में आप लिख लेंगे तो ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने अगर इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल काम है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के स्टार्ट में आप ले आएँ, ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, इसको अगर शुरू में ले आएंगे तो हम हो जाएगा हैज, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम, ही प्लक्ड द फ्लावर, ही प्लक्ड द फ्लावर। अब हमने ये लिखने के साथ इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लिया, ये आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की निशानी है। हमने सिंपल और सिर्फ एक काम किया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज किया और सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। अब यहाँ पर आपके पास ये एक दूसरा सेंटेंस है, इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं, आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो हो जाएगा हैव आई प्लक्ड द फ्लावर, और ये सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। तो गाइज, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि इस टेंस में हमेशा कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है वो इस्तेमाल की जाती है या शो की जाती है। तो इस टेंस में बेसिकली हम लोग जब भी देखेंगे हमें एक चीज़ नज़र आएगी, कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। निशानियाँ मैंने आपको उर्दू में बताई थी, चुका है, चुकी हैं, या लिया है, ली है, जो भी कंप्लीशन ऑफ वर्क के काम का मुकम्मल होना बताएं वो आपको पता लग जाना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इसके अलावा मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके, हैज और हैव। इसके अलावा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, हैज़ जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे ही शी इट और सिंगुलर नाउंस के साथ, और हैव का इस्तेमाल होगा आई वी यू दे और प्लुरल नाउंस के साथ। जब भी आप इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इस टेंस के कोई भी सेंटेंसेस होंगे जब आप उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव जो हैं इनके साथ आपने नॉट लगा देना है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे हैज़ नॉट एंड हैव नॉट। और इंट्रोगेटिव में आपने सिंपली एक काम करना है कि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे तो ये सेंटेंसेस कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के बारे में जितने भी रूल्स हैं और डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के नीचे अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस लेक्चर के बाद इस टेंस पे कमांड हासिल कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, तो टेस्ट देने के लिए आप असेसमेंट का बटन हमारी वीडियो के साइड पे मौजूद है उसको क्लिक कीजिए और आपको आपके कंप्यूटर पे एक टेस्ट मिलेगा, वो आप कीजिए और आपको ग्रेड किया जाएगा जिससे आपको पता लग सकेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से ये टेंस जान चुके हैं। इंशाल्लाह 7th लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।